सो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल रेड कलर जो आता है यामाहा R15 V3 का, बहुत ही बढ़िया लग रही रेड कलर में। इसका ऑन रोड प्राइस है 1,84,000 रुपीज़। आज पूरी वीडियो में इसी कलर के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। पहले मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ। बढ़िया सा यहाँ पर रेड और मैट ब्लैक का काफ़ी बढ़िया आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ये है ग्लॉस रेड और ये है मैट ब्लैक। यहाँ पर आपको मैट ब्लैक पूरा फ्रंट यहाँ पर देखने को मिलेगा और वाइजर देखने को मिलेगा। इसमें आप बबल वाइजर भी लगा सकते हो, एक्सेसरी आती है। दिस इज़ बाइक विच इज़ हैविंग VVA विच इज़ वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन। ये है R15 V3 या लिखा है R15 V3.0। बढ़िया बाइक है, लुक में अच्छी आती है। तीन कलर्स के अंदर आती है, ब्लू, डार्क नाइट एडिशन, ये रेड और एक और कलर आता है इसमें। वैसे टोटल चार कलर आते हैं, कि स्पेशल कलर है, बट मुझे पर्सनली रेड और ब्लू बहुत अच्छे लगते हैं। रेड अभी मेरे फ्रेंड ने भी बाय की है थोड़े दिन पहले ही, तो मैंने उसकी बाइक देखी तो मेरा मन किया यार इस बाइक पे वीडियो बनाते हैं रेड कलर के ऊपर। ये है R15 V3। थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं बाइक के बारे में। तो जो फ्रंट टायर हमें देखने को मिलता है लगभग 100x80 सेक्शन का मिलता है, 17 इंचेस का। और जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है वो है 282 mm का। यहाँ पर हमें डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है इस बाइक के अंदर। एंड अगर सस्पेंशन सिस्टम की बात करें तो आपको यहाँ पर टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है। सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं इसके। MT15 से मुझे बेटर सस्पेंशन सिस्टम लगते हैं R15 V3 के। इसके अंदर डुअल चैनल ABS हमें देखने को मिल जाता है। बाइक की अगर बात करी जाए, यहाँ पर ABS भी लिखा हुआ है। साथ में आपको बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे और आपको कंप्लीट LED हेडलाइट क्लस्टर देखने को मिलेगी, जो बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली रात को तो बहुत ही बढ़िया लुक देती है ये LED हेडलाइट क्लस्टर। यहाँ पर लिखा है R15, ये भी बढ़िया लग रहा है। एंड हैंडल बार्स की बात कर लेते हैं तो लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा हाई बीम, लो बीम इंडिकेटर, हॉर्न एंड पास बटन। एंड अगर राइट साइड में बात करें तो यहाँ पर आपको किल स्विच और इग्निशन स्विच देखने को मिलेगा। सेंटर में यहाँ पर कंप्लीट बढ़िया सा एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, काफ़ी बढ़िया डिजिटल है, अच्छा लगता है रात को भी। अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक डिसेंट कैपेसिटी का है। एंड स्पेशली जो लुक आता है फ्यूल टैंक का वो बहुत अच्छा है ना, आप आराम से इस बाइक को ग्रैब कर सकते हैं फ्यूल टैंक के साथ। बात करें तो 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है। एंड माइलेज की बात करें तो लगभग 35-40 किलोमीटर्स पर लीटर का आपको इस बाइक से माइलेज देखने को मिल जाता है। अब इंजन की तरफ चलते हैं तो इसका इंजन है 155 cc का एंड जो पंप आउट करता है 18.23 ब्रेक हॉर्स पावर और 13.9 Nm ऑफ टॉर्क। लगभग 35-40 किलोमीटर पर लीटर का यहाँ माइलेज देखने को मिल जाएगा। एंड टॉप स्पीड जो आपको लगभग मिल जाएगी 131 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आप आराम से इस बाइक पर निकाल सकते हैं। 6 गियर आते हैं टोटल इस बाइक के अंदर। सीट की बात करें तो सीट जो है राइडर और पिलियन की काफ़ी बढ़िया है, लेकिन पिलियन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है हमेशा, बिकॉज उसके लिए यहाँ पर कोई ग्रैब बार नहीं है पकड़ने के लिए, तो ये एक माइनस पॉइंट लगता है मुझे इस बाइक का। बट अगर ग्रैब बार यहाँ लगा देते तो लुक ख़राब हो जाता बाइक का, बात तो ये है। लेकिन जो राइडर की सीट है वो बहुत अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल है, आप लॉन्ग राइड इस बाइक से काफ़ी आराम से कर सकते हैं। इसके हैंडल बार्स की पोजीशनिंग भी काफ़ी डिसेंट है, KTM की तरह बहुत नीची नहीं है, लेकिन इस बाइक में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है KTM से अगर बात करूँ फ्रैंकली तो, लेकिन चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। रियर में बात करें तो यहाँ पर आपको LED टेल लाइट देखने को मिलेगी और यहाँ पर बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। यार इंडिकेटर अगर LED आ जाए इस बाइक के अंदर तो बहुत ही बढ़िया लुक हो जाएगा इस बाइक का। एंड रियर में अगर बात करें रियर टायर की तो यहाँ पर आपको 140x70 सेक्शन 17 इंचेस का रियर टायर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक है आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर आपको मोनोशॉक देखने को मिलेगा जो कि एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड डुअल चैनल ABS है तो इसकी वजह से क्या है फ्रंट और रियर दोनों ब्रेक्स में आपको ABS देखने को मिलता है, उस वजह से क्या है बाइक की जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। एफिशिएंसी जो ब्रेकिंग की है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है। यहाँ पर हमें साइड एग्जॉस्ट भी देखने को मिलता है इस बाइक के अंदर। एंड ओवरऑल जो लुक आता है ना यार चलाते हुए बाइक का वो काफ़ी बढ़िया आता है। दूर से ही बाइक काफ़ी बढ़िया लगती है, अगर मैं आपको दिखाऊँ दूर से तो बाइक का काफ़ी अच्छा लुक आता है। रेड कलर में काफ़ी आई कैची है, काफ़ी पॉप होके आता है कलर, एक काफ़ी चटकता भटकता कलर लग रहा है रेड कलर। एंड पास से मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आपको ग्लॉस फिनिश देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर आपको मैट फिनिश देखने को मिलेगी फ्रंट में अगर देखें। एंड टैंक में मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर एक तरीके से बीच में मैट एलिमेंट है और राइट और लेफ्ट में यहाँ पर आपको ग्लॉस एलिमेंट देखने को मिलेगा। ये है आपका फ्यूल टैंक का लिड एंड ये है यामाहा का लोगो। R15 V3 डेफिनेटली एक बहुत वैल्यू फॉर मनी फेयर्ड बाइक है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के पास है R15 V3। अगर बात की जाए ब्लू कलर उनमें से सबसे ज़्यादा है मेरे फ्रेंड्स के पास, और एक फ्रेंड के पास मेरे डार्क नाइट एडिशन, आपने काफ़ी टाइम पहले उसकी डिलीवरी वीडियो भी देखी होगी। तो डार्क नाइट एडिशन डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कलर है, बट रेड कलर भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। ब्लू कलर तो ऑल टाइम फेवरेट है ही, ब्लू इज़ दी बेस्ट कलर अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से मुझे ब्लू कलर सबसे अच्छा लगता है, लेकिन ये रेड कलर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से है। तो काफ़ी सारे लोग भी कह रहे थे कि यार रेड कलर की बाइक की वीडियो बनाओ, तो ये मैं आज बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और राइड एक्सपीरियंस बताऊँ आपको तो बढ़िया है, गियर शिफ्ट भी काफ़ी स्मूथ है, बहुत ईजी है इस बाइक को चलाना। एंड सिटी के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है,
मैं इस पर हाईवे राइडिंग कर चुका हूँ तो मुझे हाईवे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इस बाइक में। एंड आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये 150cc बाइक है, डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी बाइक है। आप जो नॉर्मल 150cc बाइक चलाते हो FZ वगैरह, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इस बाइक के अंदर। ये है R15 V3 एंड द अमेजिंग रेड कलर। इसके अंदर वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन आता है जिसकी वजह से गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। मीटर पे आप जब भी 7000 RPM के ऊपर चलाते हैं तब वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है, तो उससे क्या होता है एक बेटर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इसलिए इस बाइक की नॉर्मल 150cc क्लास से अगर कंपेयर करा जाए तो टॉप स्पीड ज़्यादा है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपको MT-15 में भी देखने को मिलती है, VVA विच इज़ वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन, तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है ये सब। बट इसके अंदर एक चीज़ की कमी है जो कि है प्रॉपर ब्लूटूथ वगैरह। जैसा कि आपने देखा होगा काफ़ी सारी गाड़ियों में आजकल आ रहा है प्रॉपर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आप गाड़ी की लोकेशन जान सकते हैं, कितनी चलाई आपने जान सकते हैं, कितना मेंटेनेंस आपको कितनी दिन कितने किलोमीटर बाद मेंटेनेंस कराना है, तो वो सब आप जान सकते हैं। बट इस बाइक में वो भी फीचर आया नहीं है, उम्मीद करते हैं जल्दी ही आएगा इस बाइक में। डेफिनेटली यार यामा कुछ तो सोच ही रही होगी कि अच्छा से एक ब्लूटूथ का फीचर भी डाल जाए इस बाइक के अंदर। एंड R15 V3 एनी डे, एक फेयर बाइक अगर आपको लेनी है अच्छी प्राइस में, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी नहीं हो जो, और काफ़ी ड्यूरेबल बाइक हो, तो डेफिनेटली R15 V3 मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। एंड काफ़ी बढ़िया लुक आता है बाइक का, इसकी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी डिसेंट है। अगर आप जल्दी इस बाइक को बेच भी देते हैं तो भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। इस बाइक की काफ़ी खासियत है बिकॉज इस बाइक को लेना हर कोई चाहता है क्योंकि ये बाइक है अच्छी। बिल्ट क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती है बिकॉज इसके जो पैनल्स वगैरह हैं ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़े से लो क्वालिटी लगते हैं, तो मुझे लगता है कि पैनल्स जो हैं कहीं ना कहीं थोड़े से एक बेटर क्वालिटी हो जाएँ तो बहुत ही एक हिट बाइक हो जाएगी। वैसे तो ये हिट बाइक है, R15 V3 इज़ अ वेरी हिट बाइक इन इंडियन मार्केट। सो कमेंट सेक्शन में अभी जाके मुझे बताओ कि आपको कौन सी बाइक अच्छी लगती है। एंड डेफिनेटली अगर आपको R15 V3 अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर बताना। एंड R15 V3 अच्छी लगती है तो कौन सा कलर आपको उसमें से अच्छा लगता है ये आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में जाके। सो गाइस आज की वीडियो इतनी थी, ऑल अबाउट द अमेजिंग रेड कलर ऑफ द R15 V3। एक बार मैं आपको अच्छे से और दिखा देता हूँ दूर से, काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है इस कलर का। रेड कलर इज़ लुकिंग रियली नाइस, काफ़ी पॉप हो गई कलर, काफ़ी चटकीला वाला कलर है। तो आई रियली लाइक द रेड कलर। आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम पे आप मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ लिख के आ रहा है throttle_98 में इंस्टाग्राम का हैंडल है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर मेकिंग इट पार्ट ऑफ योर डे, सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ। और ऐसे ही मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाता रहूँगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि आपको कौन सी बढ़िया नेक्स्ट वीडियो चाहिए। सो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ योर डे, सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय बाय।